Hello students, today we are going to talk about the topic water cycle, and this topic is taken from the chapter natural resources of class 9th. So as you know, water is a very important natural resource, and it supports life. In the absence of water, life cannot exist. So this water available on the earth, it keeps on circulating between non-living and living components in our world. So this cyclic movement of substances from non-living component to living component in the world, in the ecosystem, that cycle is called as biogeochemical cycle. तो बिफोर टॉकिंग अबाउट वाटर साइकिल, हम लोग ये देखेंगे कि बायो जियो केमिकल साइकिल क्या होती है. तो एज़ यू नो कि जो हमारी दुनिया है, हमारा वर्ल्ड है, वो उसमें दो कंपोनेंट हैं. ओके, एक है लिविंग, जिसको हम बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, एंड दूसरा है नॉन लिविंग, जिसको हम ए बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं. ठीक है, तो जो भी मैटर हैं, जो भी बायोमोलिक्यूल हैं, जो लाइफ के लिए नेसेसरी हैं, लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एबायोटिक से बायोटिक कंपोनेंट में, और फिर बायोटिक से एबायोटिक कंपोनेंट में के बीच में क्या होती रहती हैं, सर्कुलेट होती रहती हैं, मूव होती रहती हैं. ठीक है, तो इनके मूवमेंट से एक साइक्लिक पैटर्न बन जाती है. उसी साइक्लिक पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल. बायोजियोकेमिकल साइकिल का मतलब मूवमेंट ऑफ द बायोजेनिक सबस्टेंसेस. ठीक है, लाइफ गिविंग जो सबस्टेंस हैं, जिनका लाइफ के सपोर्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो जो केमिकल्स हैं, ठीक है, जब वो क्या करते हैं, मूव करते हैं बिटवीन, ट्रांसफ़र होते हैं बिटवीन बायोटिक टू एबायोटिक एंड एबायोटिक टू बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम ऑफ आवर अर्थ, तो हम एक इस पैटर्न को, इस साइक्लिक ट्रांसफ़र ऑफ सबस्टेंसेस को हम क्या बोलते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल. ठीक है, तो जितने भी हमारी लाइफ के लिए बहुत सारे जो केमिकल एलिमेंट्स हैं, वो बहुत नेसेसरी हैं, दे आर वेरी एसेंशियल, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, ऐसे बहुत सारे जो मैटर हैं जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, एसेंशियल है. विदाउट दोज न्यूट्रिएंट्स, विदाउट दोज सबस्टेंसेस, लाइफ कैन नॉट सर्वाइव. तो ये जो सबस्टेंसेस हैं, ये क्या होते रहते हैं, नॉन लिविंग से लिविंग और लिविंग से नॉन लिविंग में सर्कुलेट होते रहते हैं, एक पाथवे, एक साइकिल चलती रहती है. और बहुत सारे बायोजियोकेमिकल साइकिल हैं, बट हमको कुछ बायोजियोकेमिकल साइकिल इस चैप्टर में पढ़ना है, जैसे कि वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर साइकिल. देखिए, जितने भी साइकिल्स चल रहे हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल, इनको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक गैसियस साइकिल और दूसरा सेडिमेंट्री साइकिल. ठीक है, गैसियस साइकिल में क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी सबस्टेंस का हम साइकिल पढ़ रहे हैं, ट्रांसफ़र पढ़ रहे हैं, उनका जो रिजर्वायर होगा वो अल्टीमेटली क्या होगा, एटमॉस्फियर होगा. ठीक है, वो गैसियस फॉर्म में होंगे, और रिजर्व कहाँ पर होंगे, वो एटमॉस्फियर में होंगे. जैसे आपको पता है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या है, दीज आर गैसेस, एंड फर्स्टली दे आर रिजर्व्ड इन द एटमॉस्फियर. ये कहाँ होते हैं, एटमॉस्फियर में होते हैं, फिर वहाँ से उनकी साइकिल जो है वो ट्रांसफ़र या मूवमेंट वो स्टार्ट होती है. तो ऐसे बायोजियोकेमिकल साइकिल को हम क्या बोलेंगे, गैसियस साइकिल, जिसका रिजर्वायर क्या है, एटमॉस्फियर है. जो एटमॉस्फियर में प्रेजेंट है, वहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है. सेडिमेंट्री, दूसरा है सेडिमेंट्री साइकिल. इसमें क्या होता है, जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, इनका रिजर्वायर क्या है, अर्थ क्रस्ट. क्या है, अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में ये पाए जाते हैं, फिर वहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट होती है. ठीक है, जैसे कि फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, दीज आर द मिनरल्स, एंड दे आर फाउंड इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ.
ठीक है। तो बायोकेमिकल साइकिल क्या है? साइकिल है, एक ऐसी साइकिल है जिसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट थ्रू द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, लाइफ गिविंग एलिमेंट्स हैं, वो बायोटिक मतलब कि लिविंग से एबायोटिक मतलब कि नॉन लिविंग में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ठीक है। तो उनका क्या होता रहता है, एक साइकिल चलता रहता है, एक पैटर्न बन जाता है, जिसे को हम बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। और ये बायोजियोकेमिकल साइकिल जो है, इट इज़ वेरी वेरी इसेंशियल, वेरी वेरी सपोर्टिव फॉर आवर इकोसिस्टम। इससे क्या होता है कि दीज साइकिल मेंटेन द अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द इकोसिस्टम इन द अर्थ, ठीक है। ये दुनिया में, हमारे दुनिया में जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, उनकी अवेलेबिलिटी को मेंटेन करके रखती हैं, ठीक है। जैसे वाटर को, जैसे मान लीजिए वाटर को लिविंग बींग ने यूज़ कर लिया, ठीक है, H2O वाटर ने, लिविंग बींग ने वाटर को यूज़ कर लिया, फिर अगर ये लिविंग बींग में ही रह गया तो क्या होगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा, फिर तो ये दूसरे लिविंग बींग के लिए अवेलेबल ही नहीं रहेगा। तो क्या होगा, ये लिविंग बींग से वाटर निकलकर फिर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में आ जाएगा, अपने रिजर्वायर में आ जाएगा, फिर वहाँ से ये सर्कुलेट होकर लिविंग बींग्स में जाएगा। तो ऐसे क्या होगा कि इसका पूरा जो है वो सर्कुलर पाथवे चलता रहेगा, एक साइकिल चलती रहेगी, और इससे अवेलेबिलिटी जो वाटर की है वो दुनिया में मेंटेन रहेगी, ठीक है। Now we will talk about the water cycle, how the water get transferred from non-living to living beings and then from living to non-living beings. तो water cycle को हम hydrological cycle भी बोलते हैं, and इसका circulation बहुत ज़्यादा important है, क्योंकि आपको पता है कि water is the basic need of life and without water life cannot exist. तो देखिए, water जो है वो सबसे पहले तो क्या है, sedimentary cycle में आएगा, क्योंकि इसका जो reservoir है वो क्या है, earth crust, ये ज़मीन पर पाया जाता है या ज़मीन के अंदर पाया जाता है। आपको पता है कि about 3/4 of the earth surface is covered with water and oceans में जो है 75% of अर्थ सरफेस वाटर जो है वो पाया जाता है। तो दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल, दिस इज़ द डायग्राम विच शो द वाटर साइकिल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वाटर है वो क्या होता है, पहले तो इसका रिजर्वायर कहाँ है, जर्नी कहाँ से स्टार्ट होगी, फ्रॉम द ओशन, ठीक है, फ्रॉम द ओशन। ये ओशन में क्या है, रिजर्व्ड है, यहाँ पर है, और बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन इट विल इवेपोरेट एंड इट विल गोज अपवर्ड इन टू द एटमोसफेयर। ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, एंड ऊपर जाकर क्या होगा, इट ऊपर ये एयर के साथ जाएगा, इट विल मूव अपवर्ड विद द एयर, एंड जब ऊपर जाकर हाइट पे जाकर क्या होगा, एयर एक्सपैंड होगी, तो ये जो वाटर वेपर था इट विल कूल्स डाउन, एंड उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। एंड कंडेंसेशन में क्या होता है, वाटर कूल डाउन हो जाता है और ड्रॉपलेट्स में धीरे धीरे जो छोटी छोटी बूंदों में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और वो सारी बूंदें जो है, जो ड्रॉप्स हैं, वो आपस में मिलकर जब वो बड़ी बूंद बना लेती हैं, बड़ी ड्रॉप बना लेती हैं, हैवियर बना हो जाती हैं, एंड फिर वो क्या होती हैं, दे स्टार्ट टू फॉल डाउन, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे देखिए, वो प्रेसिपिटेशन मतलब रेनिंग के थ्रू वो पानी जो है, जो यहाँ से ऊपर गया था वाया इवेपोरेशन, वो क्या होगा, कंडेंस होकर फिर प्रेसिपिटेट हो जाएगा और वापस से इट विल फॉल डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब वो पानी जो है वो क्या हो सकता है, इट कैन गोज इन टू द रिजर्वायर, ये फ्रेश वाटर स्टोरेज, जैसे यहाँ पे रिवर्स लेक्स में जा सकता है, स्ट्रीम के फॉर्म में बह सकता है, या वापस ये फिर ओशन में आ जाएगा, ठीक है, या फिर ग्राउंड वाटर जो है वो पानी जो है वो सीप आउट होकर ज़मीन के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि पानी जो है वो सर्कुलेट होता रहेगा, ठीक है, इन द एनवायरनमेंट, इन द इकोसिस्टम, और इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। नाउ यू कैन सी हियर द डेफिनेशन ऑफ वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल को आप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हो, यू कॉल इट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। एंड वाटर साइकिल इज़ द जर्नी ऑफ वाटर दैट सर्कुलेट फ्रॉम द लैंड टू द स्काई एंड बैक अगेन ऑन टू द लैंड, ओके। एंड इस साइकिल में जो स्टेप्स हैं
वो इस तरीके से हैं। पहले क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया द सन्स हीट प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर इवेपोरेशन। सबसे पहले जो रिजर्वॉयर में लाइक ओशन लेक रिवर में जो पानी सरफेस वाटर मौजूद है वो सन की हीट की वजह से क्या होगा, इवेपोरेट एंड इट विल मूव अपवर्ड इनटू द स्काई, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जाएगा। और एक और तरीका होता है पानी का ऊपर जाने के लिए, वो है ट्रांसपिरेशन। आपको पता है कि प्लांट्स बॉडी में जो वाटर होता है इट गेट्स इवेपोरेटेड, जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू भी क्या होता है, पानी जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में जाता है, ठीक है। विंड कैरी करती है इस मॉइस्चर को, वाटर वेपर को, और विंड कैरी कर कर इसको ऊपर लेकर जाती है। और जब ये एक हाइट पर पहुंचता है इन द स्काई इन द एटमॉस्फेयर, तो वहाँ पर जाके जब एयर जो है वो एक्सपैंड होती है तो वाटर वेपर जो है वो टिनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होकर क्या बना लेते हैं, क्लाउड्स बना लेते हैं, ठीक है। एंड व्हेन क्लाउड्स मीट कूल एयर ओवर द लैंड प्रेसिपिटेशन अकर, जब ये क्लाउड्स ठंडी हवाओं से टकराते हैं, या ऐसे कह सकते हो क्लाउड्स और ठंडे होते हैं, तो क्या होता है वाया कंडेंसेशन जो है ये जो उसमें वाटर वेपर था वो टीनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, और वो ड्रॉपलेट्स फिर रेनफॉल के थ्रू प्रेसिपिटेशन के थ्रू जो है वो, या तो अगर टेम्परेचर बहुत कम है, ठंडा बहुत ज़्यादा, तो वो वाटर वेपर जो है वो हेल या स्नो में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर मॉडरेट है टेम्परेचर तो क्या होगा, वो जो ड्रॉप्स जो वाटर वेपर होगा क्लाउड में वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगा और रेन होगा। और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है तो हेल और स्नो में भी कन्वर्ट हो सकता है। एंड दैट वाटर इट विल कम बैक ऑन टू द लैंड इन द फॉर्म ऑफ रेन हेल और स्नो। ओके, नाउ ऑल वाटर दैट फॉल ऑन द लैंड डज नॉट इमिडिएटली फ्लो बैक इन टू द सी। अब जो भी पानी सी से निकल कर ऊपर गया था वो ज़रूरी नहीं कि सारा का सारा तुरंत डायरेक्टली सी में आ जाए। सम वाटर सोक्स इन टू द ग्राउंड, कुछ पानी जो है वो क्या हो जाता है, ज़मीन के अंदर सोक हो जाता है, मतलब सीप आउट हो जाता है, अंदर चला जाता है। एंड सम ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर ट्रैप बिटवीन द रॉक्स, और वो अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है, रॉक के बीच में, क्ले लेयर के बीच में क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, जिसको आप क्या बोलते हो, ग्राउंड वाटर। एंड ग्राउंड वाटर को ही आप क्या करते हो, यू ड्रॉ इट आउट एंड यू यूज़ इट एज अ फ्रेश वाटर फॉर योर डेली लाइफ। एंड ग्राउंड वाटर को से आप वेल भी बनाते थे, पहले कुएं खोद कर लोग ग्राउंड वाटर निकालते थे। एंड वाटर इज़ ऑल्सो यूज बाई टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड प्लांट फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। फिर वो पानी जो है एनिमल्स और प्लांट्स यूज़ करते हैं लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। एंड मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो डाउन द हिल एज रन ऑफ, बहुत सारा पानी जो पहाड़ों से बह कर आता है, रन ऑफ मतलब बह कर आता है, और वो क्या इन द फॉर्म ऑफ रिवर, नदियों और स्ट्रीम्स के फॉर्म में। एंड स्ट्रीम्स और नदियाँ जो बहती हुई आती हैं वो क्या होती हैं, इवेंचुअली रिटर्न टू द सी एज स्लाइटली सॉल्टी वाटर, और फिर वो क्या हो जाती हैं धीरे धीरे करके सी में वापस से। आपको पता है जो नदियाँ होती हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं, इवेंचुअली सी में जाकर, ओशन में जाकर मिल जाती हैं। तो इस तरीके से वापस से वो पानी कहाँ आ जाता है, जहाँ से वो उसकी जर्नी स्टार्ट हुई रहती है वो वहाँ वापस आ जाता है। ओके, और रास्ते में उसमें बहुत सारे मिनरल्स एंड सॉल्ट्स ऐड होते जाते हैं, तो इसलिए वो पानी क्या हो जाता है, सॉल्टी हो जाता है, उसका जो टेक्सचर, उसका जो उसमें वो फ्रेश वाटर नहीं रह जाता है, वो क्या हो जाता है, सॉल्टी वाटर हो जाता है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द स्टेप्स दैट टेक प्लेस इन द हाइड्रोलॉजिकल और वाटर साइकिल, देन द फर्स्ट स्टेप इज इवेपोरेशन, एंड सेकेंड स्टेप इज कंडेंसेशन। ओके, एंड सेकेंड स्टेप कंडेंसेशन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इवेपोरेशन, एंड दिस इज द थर्ड स्टेप प्रेसिपिटेशन। ओके, एंड दिस इज द फोर्थ स्टेप इनफिल्ट्रेशन। एंड वाई दीज स्टेप्स द वाटर साइकिल कम्प्लीट्स, ठीक है। वाटर साइकिल में जो है सबसे पहले क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, जो लिक्विड वाटर है वो हीट ऑफ सन की वजह से क्या होगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा और फिर वो ऊपर जाएगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, कंडेंसेशन, वो वाटर वेपर कूल डाउन होकर लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, बादल बनाएगी।
और फिर वो जब जो लिक्विड वाटर के ड्रॉप्स होंगे जब वो हैवी इनफ हो जाएंगे तो वो फिर ज़मीन पर गिर जाएंगे, दे विल फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन और हेल और स्नो, एंड उसको आप क्या बोलते हो, प्रेसिपिटेशन, ये थर्ड स्टेप हो गया। और चौथा स्टेप क्या, इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि पानी जो है वो ज़मीन के अंदर सोक हो जाएगा, ज़मीन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और रन ऑफ के थ्रू स्ट्रीम, सरफेस रन ऑफ के थ्रू स्ट्रीम फ्लो के थ्रू क्या होगा, और नदियों के थ्रू, रिवर के थ्रू वो पानी जो है वापस से सी एंड ओशन में चला आएगा, ठीक है। और इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस वाटर से नहीं होता है, एक और होता है वो ये कि जो हमारे पेड़ होते हैं वहाँ पे ट्रांसपिरेशन का एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू भी वाटर इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वाटर साइकिल, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द ऑक्सीजन साइकिल, एंड टिल देन थैंक यू।